अस्सलाम वालेकुम, फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। कोयटा पंजगूर के इलाके प्रोम में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। फायरिंग में जाँ बहक अफराद की लाशें पंजगूर अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी। सरकारी अस्पतालों में सजा और जजा का निजाम नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, जो पैसा जमा करते हैं आधा कर्ज उतारने में चला जाता है। कोरोना वबा के दौरान फंड्स भी इकट्ठे किए और अस्पताल मुकम्मल किया। वजीर आजम का सानहा एपीएस के शहदा को खिराज तहसीन। कहा, इस सानहे ने पूरी कौम को मुत्तहद किया और कौम ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का फैसला किया। अफगान तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का वफ्द 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में वफ्द की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द का दौरा पाकिस्तान की अफगान अमन अमल पॉलिसी का एक हिस्सा है। सिंध असम्बली की 3 खाली नशस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब। पीपल्स पार्टी का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन से 3 नशस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात करवाने का मुतालबा। खत में मौके पर इख्तियार किया कि तीनों हलकों में कोरोना के खतरात नहीं, इंतखाबात मजीद मौखर ना किए जाएं। जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ पर केस बनाते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, रेफरेंस दायर होने के बाद भी शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देने का फैसला भी इमरान खान करते हैं। उनकी सेहत को जान बूझ कर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कराची में 1 दिसंबर को शादी की तकरीब में फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस मोबाइल भी गुजर रही थी। फायरिंग के दौरान एक राहगीर जख्मी होकर 2 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गया था। एसएसपी ईस्ट ने मोबाइल इंचार्ज समेत 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुहासरे को 500 दिन मुकम्मल। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में पासवान हुर्रियत का भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। बुरहान वानी चौक से घड़ी पंच चौक तक मार्च भी किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारी जारी। अब तक एक रोज में सबसे ज्यादा 105 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। 24 घंटों में 2731 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 48369 हो गई। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 साल बीत गए, इल्म की शम्मा बुझाने की कोशिश नाकाम हुई। 140 तलबा ने जानों के नजराने पेश करके कौम को मुत्तहिद किया। शहीद बच्चों के वालिदैन के जख्म आज भी ताजा। वालिदैन के पास बच्चों की यादों का सहारा ही रह गया। दिसंबर 1971 जब मशरकी पाकिस्तान दुश्मन और अपनों की साजिशों का शिकार हुआ। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी का सयाह तरीन बाप। आजादी के सिर्फ 24 साल बाद मुल्क को दोलख कर दिया गया। सुकूत ढाका को 49 साल हो गए, जख्म आज भी ताजा है। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। एलओसी के बाक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। नायक शाहजहां और सिपाही हमीद शामिल। आईएसबीआर के मुताबिक पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 103.69 रुपए का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। तेल बहरान की रिपोर्ट पहले से मौजूद, सच्चाई सामने आ गई। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा, तेल बहरान हुकूमत की नाअहली का नतीजा था जो नाकिस फैसलों और हुकूमत के करप्ट हथकंडों की वजह से पैदा हुआ। रास्ता बन रहा है, अब हुकूमत को जाना होगा।
रात 10 बजे से पहले ऑयल टैंकर्स का दाखला बंद क्यों किया गया? ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। फ्यूल स्टेशंस को सप्लाई बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आजाद कश्मीर में पेट्रोल बहरान का खदशा। सैकड़ों टैंकर्स रबात के करीब खड़े कर दिए। कोरोना से अमेरिका में तबाहकुन सूरत हाल। एक दिन में 2975 अफराद हलाक। 2 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट। बर्तानिया में 506, इटली में 846, जर्मनी में 806 और भारत में 346 अमवात। बरतानवी हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर 5 दिन के लिए पाबंदियां नर्म करने की इजाजत दे दी। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर ने कुल्फी जमा दी। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। पानी जम गया। गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड। जुमेरात तक 9 तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। शादाब खान फिट हो गए। 18 दिसंबर को पहले T20 में कप्तानी करेंगे। बर्फ से ढकी वादी सवात में स्केटिंग मेला सज गया। क्या बच्चे क्या बड़े, दूर तक फैली सफेदी के सब दीवाने। सयाह जिंदगी के यादगार तरीन लम्हात समेटने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन। गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफ्फत उमर समेत 8 मुलजिमान को FIA ने चालान में नामजद कर दिया। मुलजिमान अली जफर पर लगाए गए इल्जाम के शवाहिद पेश नहीं कर सके। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर गुजर गईं। सीनियर अदाकारा फिरदौस बेगम ब्रेन हेमरेज के बायस लाहौर के अस्पताल में दाखिल थीं। आज सुबह इंतकाल कर गईं। फिरदौस बेगम ने 160 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज़।